हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं जो केक बना रही हूँ वो 2 टीयर केक बना रही हूँ, और ये 2 केजी का 2 टीयर केक है। तो इसके लिए मैंने अपर केक को बनाने के लिए 300 ग्राम बैटर का यूज किया है, बट जो मैंने बैटर बनाया है वो मैंने अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाया है। मैं प्रीमिक्स का यूज नहीं करती हूँ। मोस्ट ऑफ द आप लोग यही क्वेश्चन पूछते हो कि आप कौन सा प्रीमिक्स यूज करते हो, तो अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग मैं अपने स्पंज को रेडी करती हूँ। रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ काफी बार पहले शेयर कर चुकी हूँ और फिर से शेयर कर दूंगी, बट आप लोगों को अभी देखना है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या फिर एबी पेज से भी देख सकते हो। और वहां पर एगलेस स्पंज की रेसिपी, आपको चॉकलेट और वनीला दोनों ही स्पंज की रेसिपी मिल जाएगी। तो लोअर केक को बनाने के लिए मैंने 800 ग्राम बैटर का यूज किया है, अपर केक को बनाने के लिए 300 ग्राम बैटर का यूज किया है। वैसे जनरली जब मैं वनीला में कोई फ्लेवर बनाती हूँ तो पूरा 1200 ग्राम बैटर से अपना 2 केजी का केक बनाती हूँ, बट चॉकलेट जो हैवी होती है, और ये चॉकलेट मोस्ट केक में बना रही हूँ तो ये वैसे भी ओवरवेट हो जाता है चॉकलेट की वजह से। तो मैंने इसमें से एक बेंटो भी बना लिया था इस बैटर में से। तो लोअर केक को बनाने के लिए मैंने 7 इंच केक मोल्ड का यूज किया है, और अपर केक को बनाने के लिए मैंने 5 इंच केक मोल्ड का यूज किया है। और लोअर स्पंज को मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड किया, अपर स्पंज को भी मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड किया। और उसके बाद मैंने इसकी सोकिंग करते हुए मैंने इसमें क्रीम अप्लाई की है। जैसे कि मैं ये चॉकलेट मूथ केक बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने 2 कप लगभग क्रीम ली थी, लगभग 500 कप मैंने क्रीम ली थी, 500 ml क्रीम ली थी। और उसके बाद मैंने 3/4 कप गनाश का यूज किया है। हाफ कप मैंने इसकी मूस मूस बनाने के लिए, मतलब क्रीम के साथ ऐड करके हाफ कप गनाश को उसके बाद डिप कर लिया था, और उसके बाद 1/4 कप गनाश जो बचा था वो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो लेयरिंग के टाइम पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो लेयरिंग के टाइम पर मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गनाश ऐड किया है, उसके बाद चोको चिप्स ऐड करके तीनों लेयर को अच्छे से असेंबल कर लिया है, और लोअर वाले केक को मैंने रेडी कर लिया है। तो जैसे कि आप लोग अगर रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते हो तो आप लोगों को पता होगा मैं जो अपना टीयर केक बनाती हूँ पूरा एक साथ पहले असेंबल करती हूँ, क्रम कोट करती हूँ, और उसके बाद फाइनल फ्रॉस्टिंग एक साथ ही करती हूँ। तो डोवल को मैंने मेजर कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 डोवल इंसर्ट कर दिए हैं। ये वुडन डोवल्स हैं। आज के इस वीडियो में यूट्यूब चैनल पर मैं जो वुडन डोवल्स हैं जो मैंने ऑनलाइन खरीदे थे, हैवी वाले हैं जो, उनका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी। जो इसमें मैंने इंसर्ट किए हैं वो मैंने लोकल शॉप से खरीदे थे। उसके बाद मैंने 4 डोवल्स ही इंसर्ट किए हैं क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड केक है, जो अपर केक है वो 1/2 केजी में ही है। तो उसके बाद डोवल इंसर्ट करने के बाद मैंने ऊपर अपर केक को भी मैंने असेंबल करना स्टार्ट कर दिया है। अपर केक में मैंने थोड़ी सी क्रीम ज्यादा अप्लाई की है क्योंकि मुझे अपर केक की और लोअर केक की हाइट एकदम बैलेंस रखनी थी, इसलिए थोड़ी सी क्रीम ज्यादा अप्लाई की है हाइट को बैलेंस करने के लिए। जब भी आप टीयर केक बनाओ, अपर केक और लोअर केक की हाइट अगर आप बराबर रखोगे तो केक बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा, और अगर आप अपर केक की हाइट लोअर केक से ज्यादा रखोगे तब भी केक अच्छा लगेगा। बट जब भी आप लोग टीयर केक बनाते हो तो कभी भी अपर केक की हाइट जो है वो लोअर केक से कम नहीं होनी चाहिए, केक बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो लास्ट वाले लेयर को रखते टाइम मैं उससे पहले उसमें चोको चिप्स ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने साइड से थोड़ा सा हटाकर चोको चिप्स ऐड कर दिए। इस तरीके से मैंने पूरे केक को क्रम कोट कर लिया, उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें ऊपर से एक डोवल भी इंसर्ट कर दिया था। तो अभी रिसेंटली मैंने कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ा है, आप लोग कमेंट में पूछते हो कि सोकिंग के लिए कितना पानी यूज करना है। तो सोकिंग के लिए पानी यूज करने का कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। कभी कभी जब बिल्कुल फ्रेश स्पंज होता है तो पानी कम यूज होता है, अगर आप स्पंज को 1 दिन पहले बनाकर रख देते हो तो पानी थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है अगर आप लोगों का स्पंज 2-3 दिन तक भी फ्रेश रहता है, 2 दिन पहले भी बनाकर रखते हो, अगर आपके पास पहले से ऑर्डर होता है या कोई स्पंज बच जाता है तो उस केक में थोड़ा सा और ज्यादा सा पानी यूज होता है। तो पानी की कोई एक स्पेसिफिक या कोई मेजरमेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका स्पंज कितना सॉफ्ट है या फिर वो कितना पानी सोक कर रहा है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपने केक में मतलब उस अकॉर्डिंग आप अपने केक में पानी ऐड कर सकते हो, सीरप या फिर पानी आप जो भी यूज करते हो सोकिंग करने के लिए।
तो पूरे केक को क्रम कोटिंग के बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। मैं कभी भी क्रम कोट करने के तुरंत, जब भी मैं टीयर केक बनाती हूँ कभी भी क्रम कोट करने के तुरंत बाद फाइनलाइजिंग नहीं करती हूँ, उसे मैं रेस्ट करने देती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत केक सेटल डाउन होना होता है तो वो हो जाता है, अच्छे से केक सेट हो जाता है, उसके बाद मैं इसकी फाइनलाइजिंग करती हूँ। तो फाइनलाइजिंग के लिए मैंने पीच का शेड बनाया था, थोड़ा सा पिंक ऐड किया है, थोड़ा सा येलो ऐड किया, पीच शेड बनाकर मैंने इसकी इस तरीके से फाइनलाइजिंग कर दी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्रीम में 2 ड्रॉप्स पिंक ऐड किया, 1 ड्रॉप पर्पल वॉलेट कलर है मेरे पास, वो मैंने ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इस तरीके से ये शेड बनाकर केक के नीचे नीचे साइड पर मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने क्रीम में 2 ड्रॉप पिंक ऐड करके मिक्स करके उसके बाद थोड़ा सा पिंक अप्लाई किया है, और उसके बाद मैंने स्क्रैपर की हेल्प से इसे ऊपर नीचे दोनों तरफ क्लीन कर दिया है। तो इस तरीके से जब भी मैं कलर अप्लाई करती हूँ बहुत ही बहुत प्यारे शेड्स आते हैं, क्योंकि अंदर वाला कलर लाइट होता है और डार्क वाले कलर को थोड़ा थोड़ा सा अब्जॉर्ब करता है, कहीं से अब्जॉर्ब करता है, कहीं पर लाइट शेड दिखता है, कहीं पर डार्क शेड दिखता है, और बहुत ही प्यारे और डिसेंट शेड्स मिलते हैं इस तरीके से। तो केक को मैंने बहुत अच्छे से ऊपर नीचे दोनों तरफ क्लीन कर लिया था। इस तरीके से अगर आप फाइनल फ्रॉस्टिंग करोगे तो फ्रॉस्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, और अगर आपने केक को ट्रांसफर करते हो छोटे केक को बड़े केक के ऊपर तो आप वो भी कर सकते हो, पर ट्रांसफर करने में मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। ये केक तो मैंने काफी दिन पहले बनाया था, बट आज मैंने एक केक बनाया जिसमें मुझे ट्रांसफर करना ही करना था केक को, और उस केक को ट्रांसफर करने के लिए मैं सच में बहुत नर्वस थी कि कैसे होगा ट्रांसफर। वो 1 केजी में मुझे ट्रांसफर करना था, एक ही बोर्ड पर मुझे 2 केक बनाने थे एक्चुअली, तो वो मैंने बनाया और थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हुई बट वो बाद में ठीक हो गई थी। तो उसका वीडियो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये केक की फाइनल फर्स्टिंग हो गई थी, लास्ट में मैंने बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर दिया, और फाइनल फर्स्टिंग करने के बाद मैंने इस पर साइड पर बेब्स बनाए थे, ऊपर टॉप पर भी मैंने स्वल बना दिया था। स्वल के लिए भी आप लोग कमेंट करते हो कि स्वल कैसे बनाना है, तो स्वल आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आप जब भी केक बनाओ, नहीं बन रहा है तो भी आप 1 या 2 बार स्वर बना लो, उसके बाद अगर आपको केक अच्छी फिनिश में देना है तो आप उसको बाद में रिमूव कर दो, बट जब भी केक बनाओ एक बार ट्राई जरूर करो स्वर बनाकर। और जब भी अंदर जब आप आइसिंग करते हो ना, लेयर्स में क्रीम लगाते हो, उस टाइम पर आप स्वर बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 5, 6 बार, 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी स्वर बहुत परफेक्टली बनना बनना शुरू हो जाएगा। तो बस वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बस प्रैक्टिस करते जाओ, आपकी फ्रॉस्टिंग में और आपकी आइसिंग में भी बहुत अच्छी फिनिश आने लग जाएगी। तो मैंने साइड पर ये वेव डिजाइन क्रिएट किया इस तरीके से, बहुत इजी होता है ये वेव डिजाइन क्रिएट करना भी, सिंपल आपको स्क्रैपर घुमाते हुए भी हुए उसे थोड़ा सा तिरछा करते जाना है और धीरे धीरे से करके ऊपर नीचे करते जाना है, बहुत इजीली ये स्वेल बन के रेडी हो जाता है। और इसकी फाइनलाइजिंग के बाद भी मैंने इसे फ्रिज में रखा था 2 घंटे के लिए। उसके बाद लास्ट टाइम पर मैंने लास्ट टाइम पर तो नहीं, मतलब 2-3 घंटे पहले डिलीवरी से मैंने इस बार ये फ्लावर अप्लाई किए थे, कुछ फ्लावर कुछ फॉक्स बॉल के साथ मैंने इस केक को डेकोरेट किया था। ये एक 11 ईयर बर्थडे गर्ल के लिए था, और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करके ये केक बनाया था। तो बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब वो अपने केक पर शुगर बॉल अप्लाई करते हैं, जो शुगर स्प्रिंकल आते हैं वो डालते हैं, उसके बाद उनका केक जो है वो क्रैक हो जाता है और जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं। तो आप लोगों के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उसके कुछ सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर आप कॉन्फेक्ट वगैरह के शुगर बॉल्स ऐड करते हो तो वो उतने ज्यादा मेल्ट नहीं होते हैं और ना ही उनसे क्रीम बहुत ज्यादा क्रैक होती है, बट जब आप लोकल वाले शुगर स्प्रिंकल्स ऐड करते हो अपने केक पर तो डेफिनेटली आपकी क्रीम क्रैक होती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है, आप अपने केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग करके 2 घंटे के लिए उसे फ्रिज में जरूर रखो। जब क्रीम थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, उसमें से मॉइस्चर थोड़ा सा एवेपोरेट हो जाता है, उसके बाद जब आप शुगर स्प्रिंकल्स ऐड करोगे तो आपकी क्रीम जो है क्रैक नहीं होगी, जगह जगह पर आपके केक पर क्रैक नहीं होंगे, और आपका जो शुगर बॉल्स हैं स्प्रिंकल्स हैं वो भी मेल्ट नहीं होंगे। अगर आप तुरंत एकदम आइसिंग करने के बाद ही डेकोरेशन करके उस पर तुरंत ही शुगर बॉल्स ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली आपके केक में क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखिए, आप भी अपने केक को परफेक्टली बना सकते हो, और आप अपने केक को अच्छे से डेकोरेट करोगे, कस्टमर तक आपका केक अच्छे से डिलीवर होगा तो आपके पास ऑर्डर भी डेफिनेटली ज्यादा आएंगे। तो इस केक को रेडी करने के बाद मैंने इसे एक टॉल बॉक्स में पैक कर दिया था। इस तरीके के टॉल बॉक्स आप किसी भी लोकल शॉप से परचेज कर सकते हो, मैंने भी इसे लोकल शॉप से परचेज किया था। तो ये केक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।